अलैकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पंजाब पुलिस के अंदर न्यू भर्तियाँ आ चुकी हैं। पंजाब पुलिस के अंदर न्यू भर्तियाँ आ चुकी हैं। जी हाँ, 75,000 से ज़्यादा भर्ती आई हैं पंजाब पुलिस के अंदर। जो मेरे दोस्त अपना ख्वाहिशमंद हैं, हमने पंजाब पुलिस के अंदर अप्लाई करना है, उनको मैं इस वीडियो में मुकम्मल अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊँगा। इसमें फ़ीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के अंदर आल पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। पंजाब पुलिस की न्यू जॉब्स आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में देख सकते हैं। नीचे मैं लिंक भी दे दूँगा अदर जॉब्स का, आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो बनाता रहता हूँ और मेरे चैनल का नाम है दिल पाकिस्तान FC, तो प्लीज़ जारी सदका समझ के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फेसबुक पे मैसेंजर पे इसको लगाएं, क्योंकि कितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो सदके जारी समझ के शेयर कर लें। जो मेरे दोस्त इंतज़ार में बैठे होते थे, जो मेरी बहनें इंतज़ार में बैठी होती हैं घर में भी कोई जॉब्स आएगी, उनको आजकल जो पेपर न्यूज़ के ऊपर जो अपडेट आती हैं वो फेक आती हैं। बड़ी बड़ी अखबारें, बड़े बड़े न्यूज़ पेपर हैं जो फेक न्यूज़ दे रहे हैं, फेक न्यूज़ कवर कर रहे हैं। इसलिए रियल जो हकीकत जो खबर होती है उन तक पहुँचाएँ। जो मेरी बहनें अपने घर में बैठी हैं या फीमेल बैठी हैं, मेल बैठे हैं, जो भी लड़के बैठे हुए हैं, जो उनके पास जॉब्स नहीं है, उनकी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, वो ज़रूर अप्लाई कर रहे हैं। ये मैट्रिक बेस से पहले हमारा ये पहली भर्ती है जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मैट्रिक बेस पर भर्ती आई है। आप मैट्रिक बेस पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार पहले से कुछ थोड़ा हट के है। और सबसे जो बड़ी मेन आम खबर है मैं आखिर पे आपको बताऊंगा, जो सबसे मेन खबर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है, दोनों खबरें मैं इंशाल्लाह आखिर पे बताऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहें भी। जो बैड न्यूज़ है वो क्या थी, जो गुड न्यूज़ थी वो क्या थी। जो मेरे साथ पुराने लोग जुड़े हुए हैं उनको तो पता है बैड न्यूज़ क्या चीज़ है, जो लोग नए हैं उनको नहीं पता जो गुड न्यूज़ है वो क्या चीज़ है। अगर आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चले हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों ने करना क्या है। अप्लाई आप लोगों की जगह पे करना है, पंजाब पुलिस में अप्लाई आप लोगों ने किस जगह पे करना है। ये देखिए, ये जो ऐड है आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये पंजाब पुलिस का ऐड है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूँगा जो ऐड पंजाब पुलिस का। आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है और किस किस सेंटर में आपने अप्लाई करना है, चाहे आप लाहौर से हैं, सरगोधा से, ओकाड़ा से, फैसलाबाद से, और KPK से और बलोचिस्तान से जो लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हम बलोचिस्तान के लोग भी, सिंध के लोग, KPK के लोग, हैदराबाद जहाब चौकी के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई फीस नहीं है अप्लाई करने का तरीकाकार, बिल्कुल सेम है और फ्री है अप्लाई करने का तरीकाकार। अप्लाई किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने ये जो एप्लीकेशन है, ये वेबसाइट जो है ये ओपन कर लेनी है। ये वेबसाइट ओपन करके आप लोगों ने, या नीचे इस भाई ने, जो किस भाई की वेबसाइट है उसने, ये देखें ये नीचे उसने दिया हुआ डाउनलोड फॉर्म, ये पंजाब पुलिस का, आपको समझ आ रही। आप लोगों ने इसी के ऊपर क्लिक करना है। जी हाँ, ये देखें, अभी सब ठहरें, सुने मेरी बात गौर से। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसको करते हैं ओपन। हमने ओपन कर लिया। इधर ये चीज़ देखें, ये चीज़ समझने वाली है, इस चीज़ पे गौर फरमाएं। आप लोगों को क्या क्या चाहिए इसके अंदर और मुकम्मल डिटेल भी नीचे दी हुई, मैं आपको ये पढ़ के सुना भी देता हूँ, सब्र करें भाई। आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले वो क्या, पंजाब पुलिस का ये फॉर्म आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड करके आपने इसको, इसका प्रिंट निकाल लेना, प्रिंट निकाल के आप लोगों ने ये पोस्ट ऑफिस पे, इनके डाकखाने के जरिए जो इनका एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस पे आप लोगों ने भेज देना है। हर सुबह का एड्रेस अलग है, उनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं इस वीडियो में आपको मोबाइल नंबर भी उनका दे दूँगा, अपने किस एड्रेस पर। अगर सरगोधा से, सरगोधा का मोबाइल नंबर दूँगा, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, सिंध, बलोचिस्तान, हर सुबह के अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास अपनी 6 तस्वीरें होनी चाहिए, 6 तस्वीरें को स्ट्रक्चर करवा लेना है। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल को पूरी डिटेल इसके अंदर लिख लेनी है आप लोगों ने। डोमिसाइल की 6 कॉपियाँ स्ट्रक्चर करवा लेनी है। SCNC कार्ड नंबर कार्ड होना चाहिए, उसकी भी 6 कॉपियाँ करवा के स्ट्रक्चर करवा लेनी है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपके वाल का नाम, आपकी मतलब अपना फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, पूरा घर का एड्रेस, आरजी पता, मुकम्मल पता,
आपने एजुकेशन कितनी की है, आपने नंबर कितने लिए थे मैट्रिक से, एफएम में कितने नंबर हैं आपके, इसके अलावा आपने तलीम किस जगह पर, मुकम्मल डिटेल ये देखें, मुकम्मल इनकी डिटेल है, आपने किस डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करना है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आप रहना चाहते हैं, आपने मुकम्मल डिटेल इनकी आप लोगों ने वो लिख लेनी है। लिखने के बाद हम नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। अच्छा, ये सब कुछ हो गया, इसके बाद ये देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फादर नेम, ट्री को डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आप लोगों ने, एड्रेस लिखना है, अपनी मुकम्मल एड्रेस लिखना है, अपनी ईमेल देनी है, और इस जगह पे आप लोगों ने अपना फ़ोटो लगा लेना है, ठीक है। ये हो गया, सबमिट हो गया। इस जगह पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, जी मोबाइल नंबर लिख दिया। नीचे आते हैं, नीचे आकर ये देखें जी, अपना CNIC नंबर आपने इधर लिख देना है, पिक्चर लगा देनी है आपने, और डिटेल लिखनी है आपने। इसके अलावा आपने ये नीचे आते हैं जी, नीचे आते हैं, ये चीज़ देखें, ये एड्रेस मुकम्मल लिखे हुए हैं किस किस सेंटर में आप लोगों ने ये जो फॉर्म में डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आप लोगों ने भेजना है। सबसे ऊपर आप देखें, ये पूरे पंजाब लाहौर से अप्लाई, अगर आप लाहौर से हैं तो आप लोगों ने, ये लाहौर सेंटर है, ये लाहौर सेंटर, ये लाहौर वालों का नंबर है, आप लोगों ने इस जगह पर भेज देना है, ठीक है। अगर आप लाहौर से नहीं हैं, अगर आप लोगों की जगह से ये पंजाब लाहौर उखाड़ा से हैं, तो आप लोगों ने इस नंबर के ऊपर आप लोगों ने सबमिट कर देना है, इस नंबर पे, ठीक है जी। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, साहिवाल उकाड़ा इससे हैं, तो आप लोगों ने ये देखो साहिवाल उकाड़ा, आपने इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ भी लेना है, कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही। अगर इस्लामाबाद पिंडी से हैं, तो आप इस जगह पर ओके करना है, इस एड्रेस पर आप लोगों ने मुकम्मल जो फॉर्म है वो ये जो डाउनलोड करके आप लोगों ने मुकम्मल आ रही, इसको फिल करके आप लोगों ने भेजना है। अगर आप फैसलाबाद से हैं, गुजरवाले से हैं, या आप मतलब इससे समंदरी से हैं, तो आप लोगों ने ये नंबर है फैसलाबाद वालों के लिए, ये इनका फ़ोन नंबर है, ये इनके एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप लोगों ने मुकम्मल जो आप लोगों ने ये फॉर्म भेजना है, ठीक हो गया। नीचे आते हैं, तो नीचे अगर आप मुल्तान से हैं, खाने वाल से हैं, या बलोचिस्तान से हैं, या सिंध से हैं, या रहीमर खान से हैं, बावलपुर से हैं, तो आप लोगों ने आपके पास ये एड्रेस भी हैं, दो नंबर भी आप लोगों ने इस पे इनको एड्रेस पे ये डाकखाने के ज़रिए भेज देना है, ठीक हो गया। इनका तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है, और बहुत तो शॉर्ट सा तरीक़ाकार, इनका इतनी लंबा तरीक़ाकार इनका नहीं है फॉर्म भेजने का। तो आप ये जो फॉर्म है, एक पेज ये वाला है, एक ये पेज, दो पेज हैं, ये दो पेज आपने डाउनलोड करके इंटरनेट से अपने पास से प्रिंट आउट निकाल लेने, प्रिंट आउट निकाल के ये फिल करके आप लोगों ने जो मैंने आपको नीचे मुकम्मल एड्रेस दिए हैं, इसी एड्रेस के ऊपर आप लोगों ने सेंड करने, मेरी वीडियो को रोक के स्टॉप करके अपने एड्रेस लिख लेने। अगर फिर भी आपको ये नज़र ना आए, आप एड्रेस ना लिख सकें, तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप में आपको मैं ये सारा डिटेल जो है वो सेंड कर दूंगा, ठीक हो गया। अपना ख्याल रखें, और मैं इसी तरह वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और जो गुड न्यूज़ थी मेरी, वो ये थी, BFC बलोचिस्तान 73 बैच के ऊपर मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाने जा रहा हूँ, भी उसके जो लेटर हैं वो कब स्टार्ट हो रहे हैं। और गुड न्यूज़ ये थी, जो बैड न्यूज़ थी वो ये थी, काफ़ी लोग कह रहे थे FC बलोचिस्तान के कॉल लेटर आउट हो गए हैं, जी नहीं जी, अभी तक FC बलोचिस्तान के कॉल लेटर आउट नहीं हुए, 50% हुए थे, 50% कॉल लेटर आउट नहीं हुए थे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।